ये सारी सर्दियों की तैयारी चल रही है हमारी। घर की मिर्ची है ये फिर से, इनमें नई फसल आने बैठ गई थी। हुआ है भात गैस में एंड इधर चूल्हे में रखी हुई है दाल। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहलाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने गाँव व्यस्त होंगे। तो सो गाइज, अपन भी एकदम मस्त है। तो अभी मैं घर में आ चुका हूँ। तो आजकल पहाड़ों की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, बड़ी टफ होती है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम रहता है। क्योंकि जो ठंड का टाइम रहेगा ना, ठंड के टाइम के लिए जो घास रहता है जानवरों के लिए, उसको स्टोर करना पड़ता है और उसको फिर इस तरह से स्टोर करना पड़ता है उसको। तो आजकल पहाड़ों में जो काम रहता है ना, वो कुछ ज़्यादा रहता है। और आजकल पहाड़ों का जो मौसम रहता है ना, और जो नज़ारा रहता है ना आजकल पहाड़ों के, वो कुछ खास रहते हैं ना, कुछ ज़बरदस्त रहते हैं। और आजकल पहाड़ों में जो माल्टे होते हैं ना, तो माल्टे भी ऑलमोस्ट पकने बैठ गए हैं। अभी तक पक जाते थे, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, इसकी वजह से पके नहीं हैं। तो सो दिखाते हैं आज आपका अपना दिनचर्या। ये सारी सर्दियों की तैयारी चल रही है हमारी। घर की मिर्ची है ये, अभी मतलब धूप, जैसे धूप लगेगी फिर उनके धूप पर डाल देंगे। और यहाँ पे मम्मी कर रही है कोदू, मतलब मंडुआ, जिसको कोदू बोलते हैं हमारे भाषा में, कोदू बोलते हैं हिंदी में, इसको मंडुआ बोलते हैं, इसको मांड रही है। तो ये पूरी हमारी सर्दियों की तैयारी चल रही है। और ये कोदू, कोदू ज़्यादा टाइम से रखने से ना इस पर फंगस पकड़ने बैठ गए, इस पर कुछ 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 जमने में बैठ गया, ये हरा हरा जमने बैठ गया। और ये चल रही ठंड, ये चल रहा सर्दियों की तैयारी। और ये देख सकते हैं ना, घर पे सब लोग मतलब काम करने का किसी का मन नहीं था बीच में, क्योंकि वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे काम करेंगे ऐसे में। तो ये देख लो, इसमें ना कोदू में जमने बैठ गया, मतलब ये फिर से इनमें नई फसल आने बैठ गई थी। तो सो इसको कर दिया हमने अलग। तो अभी लग चुका है पूरे डांडा पहाड़ों पे धूप, डांडा काठे बोलते हैं जिसको हमारे भाषा में। और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाने बैठ चुके हैं। ये सामने स्कूल है, जंगल के पेड़ों के बीच में मतलब स्कूलें बनी हुई है हमारी, और बच्चे लोग स्कूल जाने बैठ चुके हैं। और समझ, जब जैसे ही पहाड़ों पे मतलब इन डांडों पे धूप लगती है ना, इनका एक देखने का नज़रिया ही कुछ अलग रहता है। आप देख सकते हैं, जब सुबह मैं वीडियोज़ बनाया था तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे ही इन पर धूप पड़ती है ना, तो इनका एक अलग ही देखने का एक अलग ही मज़ा रहता है। और जो सामने लास्ट वाला पहाड़ दिख रहा है, यह है भगवान तुंगनाथ का पहाड़ है, मतलब उसको रावण किला बोलते हैं हमारी भाषा में। तो अभी सुबह की 8 बज रही है और धूप भी ऑलमोस्ट लग चुकी है, और मम्मी भी अपने दिनचर्या पर लग चुकी है। वाइफ नीचे मीटिंग है, क्योंकि अभी वो उठ नहीं सकती है, काली सुबह सुबह उठ चुका है, पहले तो वो 8 बजे उठ चुका है। और बच्चे लोग सारे स्कूल के लिए चले गए, उनसे भी स्कूल चली गई है। और पापा गए हैं खेत में हल लगाने के लिए, छोटा भाई गया है गोपेश्वर, उसका कुछ काम है। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या है दिखाने लायक आज। तो अभी दिन की 12 बज रही है और मैं आ रखा हूँ रोड दुकान साइड, यहाँ पे आटा पीसने के लिए चक्की है हमारी, जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चक्की है। तो मैं चक्की में आ रखा था ये अपना गेहूँ पीसने के लिए। और आजकल गांव में जो है ना, घर में कोई भी नहीं दिखेगा, सारे लोग खेतों में जा रखे होंगे काम के लिए, क्योंकि पहाड़ की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि सुबह जैसी हुई वैसे औरतें अपने काम पर निकल जाती हैं। तो ये है मेरी पूरी गांव की सार, एंड ये है मेरा गांव, ये यहाँ से शुरू होता है मेरा गांव, एंड ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, जहाँ वो स्कूल दिख रही है वहाँ ख़त्म हो जाता है मेरा गाँव। और ये सामने है बाबा तुंगनाथ का डांडा, इसके पीछे जस्ट बाबा तुंगनाथ का डांडा है। और ये हो गया तुम्हारा दीव दिखने, इसके पीछे मक्कू, तुम्हारा ऊखीमठ साइड लग जाता है। और ये मेरा गांव कलसिर है। और आजकल देख सकते हैं आप लोग कि गांव की जो सार है ना, खाली हो चुकी है। और ये ठंड की मतलब दिसंबर जनवरी की तैयारी चल रही है, जो ये न्यार निकलेगा इसको से टान बना के रख देते हैं, और एक जगह पर जमाल लगा के रख देते हैं। और ये फिर जब बर्फ़ गिरती है उस समय इसको गाय भैंस को चारा का काम आता है। सो ये है मेरा पूरा गांव, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी आज मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की। तो सब सारे लोग गए हैं काम के लिए, कोई खेतों गया, कोई अपने अपने काम पे गए हैं, पापा भी पता निकल गए हैं। तो मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की। तो मैंने इधर रखा हुआ है भात गैस में एंड इधर चूल्हे में रखी हुई है दाल। तो वे थोड़ी देर में आते हैं खाना, दाल भात ही बनाएंगे दिन में।
अभी शाम की 3 बज रहे हैं और धूप धार में चले गया है, मतलब सूर्य भगवान धार में चले गए, जैसे हमारे घरवाले वासन बोलते हैं, मतलब घाम धार में चले गया। और जैसे बच्चे लोग स्कूल से आए होंगे ना, वैसे कामों पर लग गए हैं, क्योंकि सब अपने अपने घर वालों का, अपने फैमिली के, मम्मी पापा दादी दादा जो है सबके साथ हाथ हाथ बिटा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ये टाइम है ना, ये बहुत ही पहाड़ों का सबसे टफ वाली लाइफ है ये, क्योंकि अभी इतना काम रहता है ना, खेतों से पराल लेना, जो घास रहता है वो लेके आना, हल लगाना, और फिर कई कई लोगों को जंगल भी जाना होता है घास के लिए। तो ब्लॉगिंग के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिला, क्योंकि वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, तो गांव में क्या होता है ना, सारे गांव वाले खबर करने के लिए आते हैं, तो कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने के लिए। और आजकल खाना वाना भी बनाना पड़ रहा है घर पे, पूरी चौक में ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आजकल धूप पे रखा हुआ है सुखाने के लिए। और भाई इसके इसको तो ना बिल्कुल भी चैन नहीं है बिल्कुल भी। और मम्मी जो है वहाँ पे दाल सुखा रही है, ब्लैक उड़द है वो, तो अभी तो धूप वहाँ से चली गई है, लेकिन जब कल सुबह वहाँ पे धूप आएगी तो फिर सूख जाएंगे वो, और उनकी फिर मतलब उनको कूटना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके वो दाल निकलेगा। और अंशु भी स्कूल से आ चुकी है अभी, तो अभी शाम की 6 बज चुकी है और अभी करते हैं रात के खाने की तैयारी। दोस्तों आज के ब्लॉग की ही एंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप से करना, मिलते हैं बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।